Students of 12th standard, today we will learn about the explain the assumption of law of demand. Last time हमने law of demand किया था, आज हम लोग assumption of law of demand करेंगे, right? Just see what are the assumption of law of demand. First of all, we should know assumption means what? Assumption means the condition in which law will work. If that condition will not be available, law will not work, okay? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होना चाहिए. दिस इज द लॉ स्टेट. बट लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन. ये जो लॉ है कुछ एजम्पशन के बेस पे. पहला, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम. इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. हाँ, कस्टमर का इनकम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. इफ देर इज अ राइज इन इनकम, पीपल मे डिमांड मोर एट गिवन प्राइस. अगर प्राइस ज़्यादा, अगर इनकम बढ़ जाएगा तो पीपल क्या करेंगे? ज़्यादा डिमांड करेंगे ज़्यादा प्राइस पे. तो कंडीशन इज वॉट? इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू, अगर लॉ ऑफ डिमांड ट्रू चाहिए, कस्टमर्स इनकम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. कस्टमर का इनकम कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए. इफ देर इज अ राइज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ता है, पीपल में डिमांड मोर एट गिवन प्राइस. पीपल क्या करेगा? ज़्यादा भाव में ज़्यादा डिमांड करेगा. नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में भी चेंज नहीं होना चाहिए. इट इज एज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज. साइज ऑफ पॉपुलेशन अनचेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. एनी चेंज इन साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. अगर पॉपुलेशन में चेंज होता है तो टोटल डिमांड भी क्या होगा? अफेक्ट होगा. इज दिस क्लियर? तो इट इज एज्यूम दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइज ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट. इट इज एज्यूम दैट द प्राइज ऑफ सब्सटीट्यूट रिमेन्स अनचेंज. सब्सटीट्यूट गुड्स का भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए. एनी चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटी. अगर कोई भी सब्सटीट्यूट में चेंजेस हुआ तो डिमांड क्या होगा? अफेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, कोको कोला पेप्सी. पेप्सी के भाव में अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो कोको कोला का डिमांड क्या होगा? कम ज़्यादा होगा. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट. इट इज एज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज बिकॉज द चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यू ऑलरेडी नो, राइट? तो अगर एक गुड्स का डिमांड कम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से दूसरे गुड्स का भी डिमांड क्या होगा? कम ज़्यादा. जैसे कार एंड पेट्रोल, जिसमें पेट्रोल का भाव कम ज़्यादा हो जाएगा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो इसीलिए बोला गया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. नो एक्सेप्शन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. प्राइस के फ्यूचर चेंजेस में कोई भी ये नहीं होना चाहिए. मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. फ्यूचर में हमको अंदाजा लगाने नहीं आना चाहिए. इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर. इफ कस्टमर एक्सपेक्ट, अगर कस्टमर ऐसा एक्सपेक्ट करता है राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, देन दे डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन इन एग्जिस्टिंग प्राइस. तो अभी भी वो क्या करेगा? ज़्यादा डिमांड करेगा ज़्यादा प्राइस में भी, ठीक है? तो इट इज एज्यूम दैट कस्टमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन प्राइस नियर फ्यूचर. तो उसमें प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर वो सोच रहा है कि प्राइस भाव फ्यूचर में बढ़ने वाला है, देन दे डिमांड मोर इवन एट हाई प्राइस और प्रेजेंट हाई प्राइस ऑल्सो. तो प्रेजेंट हाई प्राइस भी वो ज़्यादा डिमांड करेगा. नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स. इट इज एज्यूम दैट कस्टमर्स टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज होना चाहिए. एनी चेंज इन दिस फैक्टर विल लीड टू चेंज इन डिमांड. अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो उसे डिमांड में क्या होगा? चेंजेस होगा. नो चेंजेस इन टैक्सेस एंड पॉलिसी. टैक्स एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्सेस एंड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उससे क्या होता है? डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxes in clear declared by government. तो taxes in policy में कोई भी changes नहीं होना चाहिए. Is this clear? These are the assumption of law of demand. Constant level of income, income same होना चाहिए. If the law of demand is to find true, customer's income should remain constant. अगर law of demand सही चाहिए तो customer का income same होना चाहिए. If there is a rise in income, अगर income बढ़ता है, people may demand more at given price. तो public क्या करेगी? ज़्यादा demand करेगी ज़्यादा price में भी. No change in size of population. It is assumed that the size of population remain unchanged. Size of population unchanged होना चाहिए. Any change in size of composition of population of country affect the total demand of the product. अगर कुछ भी changes हुआ size of population में तो total demand क्या होगा? Affect होगा. Price of substitute goods remains constant. It is assumed that price of substitute remain unchanged. Substitute goods का price remain unchanged होना चाहिए. एनी चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ कॉमोडिटी. अगर कोई भी सब्सटीट्यूट के प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? अफेक्ट होगा, राइट? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इट इज एज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो रिमेन अनचेंज होना चाहिए बिकॉज चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर गुड्स. अगर एक गुड्स के डिमांड में चेंजेस हो जाए तो दूसरे गुड्स का डिमांड भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है? नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस. भविष्य के प्राइस चेंजेस के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाने आना चाहिए. इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फ्यूचर फॉर द चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर.
नियर फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस हो ऐसा कुछ उसको एक्सपेक्टेशन करने नहीं आना चाहिए. इफ़ कस्टमर एक्सपेक्ट, अगर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, दे मे डिमांड मोर इन देयर प्रेजेंट एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस. तो क्या करेगा, वो ज़्यादा डिमांड करेगा प्रेजेंट हाई प्राइस में भी. ठीक है, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, इट इज एज्यूम दैट कस्टमर का टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस चेंज होना चाहिए. एनी चेंज इन दिस फैक्टर्स विल लीड टू चेंज इन डिमांड, कुछ भी चेंजेस होगा डिमांड क्या होगा अफेक्ट होगा. नो चेंज इन टैक्सेस इन पॉलिसी, टैक्सेस इन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्सेस पॉलिसी जो होता है गवर्नमेंट का, उस पर डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है, इफ इट इज एज्यूम दैट देर इज नो चेंज इन द टैक्सेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ इसीलिए एज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट की टैक्सेस पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. इज दिस क्लियर? देन यू हैव टोटल 7 एजम्पशन यू हैव टू लर्न एंड मेमोराइज. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सअप ऑल्सो. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स. एंड प्लीज इट इज रिक्वेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क सेंड द कंप्लीटेड होमवर्क इन व्हाट्सएप. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.